हाय नमस्कार, सेट न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आसन मिश्र। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ओयो होटल है जहाँ पर एक नाबालिग जो बच्चे है वो पकड़े गए। देख सकते हैं तमाम यहाँ पर मौके पे पुलिस बल पहुंचे हुए और लोग हैं यहाँ पर। एक बार हम जानने की भी कोशिश करेंगे। और ये देख सकते हैं ये ओयो होटल है, ब्लू हब करके ओयो होटल है। और ये कहाँ पर, कौन से लोकेशन पे है, तो ये सेक्टर 22 तेज का एरिया पड़ता है जहाँ इस वक्त हम पहुंचे। ये देख सकते हैं अभी फिलहाल ऊपर लड़के को बिठाया गया, ऊपर लेके यहाँ पर पुलिस मौके पे जा रही है, जांच पड़ताल करेगी। एक बार हम भी चल के देखते हैं, अगर परमिशन होगी जाने के तो हम भी एक बार चल के देखेंगे जरूर कि आखिरकार क्या हुआ था, कौन सी लड़की है, कहां से आई थी। एक बार कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं मौके पे अभी फिलहाल पुलिस ऊपर गई है और कुछ लोग भी गए। और होटल देख सकते हो, होटल ब्लू हब करके ये नाम है। और ये देखिए अंदर ही है, ये देख सकते हैं क्या हुआ था। मतलब आपको पता है कुछ? नाबालिग लड़की आई थी एक। कितने साल की? 17 साल की है। 17 साल की। अच्छा, कहाँ से कैसे कपड़े पहन रखे थे उसने? उसने मतलब स्टॉल ओढ़ी हुई थी, देख नहीं पाया मैं। अच्छा, कब आई थी? सुबह आई थी 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे आई थी? हाँ जी। अच्छा, कैसे सूचना पुलिस को आप लोगों ने दी कि किसने दी? मुझे नहीं है मालूम, मैं यहाँ पे नया आया हूँ 1 तारीख को। अच्छा, क्या करने आ गए? देख सकते हैं अंदर एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। और ये ओयो होटल है, अंदर जाने की परमिशन है? अंदर नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। अंदर जाके लड़की से जो है वो पूछताछ की जाएगी कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। क्योंकि बताया जा रहा है जैसे यहाँ पर जसमीरी था, उन्होंने बताया कि लड़की जो है वो कितने साल की थी? 17 साल की बता रही है वो। 17 साल की लड़की है या 17 साल की लड़की है? कुछ उसने प्रूफ वगैरह दिखाया हो? एक सेकंड, आईडी उसने ये दी थी, दिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, उसने आईडी दिखाई थी आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों ने उम्र मेंशन तो हुई होगी ना? 18 साल उम्र दिखा रही थी उसमें। तो ये देख सकते हैं मतलब साफ तौर पर जो आधार कार्ड था उसमें मेंशन कर रखा है कि इतने साल उम्र है उस लड़की की। और ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो है वो मौके पहुंचे हुए। ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। सर, आपको कैसे जानकारी मिली कि लड़की पकड़ी गई? मेरे को फोन के ऊपर जानकारी आई, एक नाबालिग लड़की को एक लड़का यूपी नंबर 9016 ऐसे कुछ मोटरसाइकिल है उस पे लेके आया है। अच्छा। तो मैं तुरंत ही मैंने अपने साथियों को लिया, उन्होंने मेरे को लोकेशन बताई, मैंने डायरेक्ट छापा मारा जी। आप कौन है सर, आप कहाँ से हैं? मतलब मैं 5 नंबर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट ये प्रेसिडेंट हूँ विश्वानम। आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, आपको किसने बताया? हमारे तो बंदे घूमते रहते हैं, उन्होंने हमारे को मुखबरी दी इस बात की। अच्छा, तो उस लड़की ने कोई आइडेंटिफाई ऐसा प्रूफ तो दिखाया होगा कि इतने साल के क्या है? कोई प्रूफ नहीं आज लड़की कोई छोटी नाबालिग बताई जा रही है, छोटी 18 साल की एज में देखोगे मेरे ख्याल 2-2.5 फुट से ऊंची है ही नहीं वो। अच्छा। बहुत छोटी लड़की है वो, बहुत छोटी है। हाँ। और लड़की की उम्र जिसके साथ आई थी उसकी? वो 19-20 साल, 22-23 साल उम्र है लड़की की 22-23 साल उम्र है। मतलब स्कूल की ड्रेस में आए हैं? स्कूल की ड्रेस में आई है। कौन से स्कूल में लड़की? पता नहीं, आप आके अंदर। अंदर तो वैसे हम नहीं जा सकते, अंदर परमिशन नहीं अलाउड नहीं है हमें अंदर जाने के। लेकिन यहाँ देख सकते तमाम लोग यहाँ पर मौके पर, बताया जा रहा है कि लड़की की जो उम्र है वो 17 साल की, लेकिन जो उसने प्रूफ दिखाया था, आधार कार्ड दिखाया था, उसमें उसकी उम्र जो है वो उसने दिखाने की कोशिश की 18 साल की, लेकिन लड़की जो है वो नाबालिग बताई जा रही है। यहाँ देख सकते हैं मौके पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और जो लड़का उम्र बताई जा रही है वो 22 साल की है। बच्चियों का ना, बच्ची को हम नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल हम दिखाएंगे भी नहीं, हम खुद नहीं दिखाएंगे, लीगल पॉइंट होता है हमारे लिए भी। यहाँ देख सकते हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि लड़की की जो उम्र है वो 17 साल नाबालिग लड़की बताई जा रही है, और जो लड़की की उम्र है वो 21 से 22 साल जो उसकी उम्र बताई जा रही है। और हाँ जी, लड़का कहाँ का रहने वाला है? यूपी का। आधार कार्ड जो लगाया है वो आधार कार्ड यूपी का लगाया है, कहाँ का लगाया है? ये देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये देखिए। और अभी फिलहाल मैं बताऊं तो ये इलीगल नहीं होता, लीगल पॉइंट नहीं होता कि हम लड़के की या फिर लड़की कोई जानकारी आपको बता सके। लेकिन यहाँ देख सकते हैं स्कूल की लड़की है और लड़की की उम्र जो बताई जा रही है वो 16 से 17 साल लड़की की उम्र बताई जा रही है, नाबालिग लड़की। और यहाँ ओयो होटल है जो कि ये ब्लू हब करके है, ये ओयो होटल का नाम है, जो कि मैं आपको अगर लोकेशन एक बार आई जरा थोड़ा सा एक बार मैं आपको लोकेशन भी, आप लोग को कुछ पता है कैसे क्या? ना जी, हम तो अभी इन्फॉर्मेशन मिली जब आए। अच्छा, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी?
कि कोई लड़का मतलब लड़की को लेके आया है। अच्छा, लड़की की उम्र वगैरह कुछ आप लोग नहीं पता? कुछ नहीं पता अभी। ये देख सकते हैं लोकेशन, मैं आपको अगर बता दूं तो ये सेक्टर 22-23 का ये एरिया पड़ता है। और PCR देखिए, और तमाम लोगों की यहाँ पर भीड़ देखिए, किस कदर लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई। ये देखिए PCR मौके पहुंच चुके और पुलिस भी और मौके पर पहुंच रही, लेकिन तमाम लोगों की भीड़ देखिए। और ये लोकेशन अगर बता दूं तो ये सेक्टर 22-23 का ये एरिया पड़ता है, जहां इस वक्त हम पहुंचे। और ब्लू हब करके ये होटल ब्लू हब करके है, और ये होटल का नाम है जो कि ब्लू हब, ये सेक्टर 22-23 के एरिया में पड़ता है। और यहाँ हम इस वक्त पहुंचे और हमें जो सूचना मिली है कि एक नाबालिग लड़की, इसको स्कूल की बच्ची बताई जा रही है, कि ओयो होटल में लेके आया गया। जो लड़की की उम्र बताई जा रही है वो 22-23 साल उम्र बताई जा रही है। और लड़का जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि लड़का यूपी का रहने वाला, अभी लड़की का कोई नाम पता हमें नहीं मालूम है कि कहाँ की रहने वाली लड़की और कहाँ की नहीं है। लेकिन इस वक्त लोकेशन देखिए किस कदर मतलब यहाँ पर लोगों की भीड़ लग चुकी है, क्योंकि यह आम बात नहीं है। क्योंकि अक्सर ये हम सुनने में आता है कि हमेशा ओयो होटल में लड़कियां पकड़ी जाते हैं, और एक बार फिर से यही मामला सामने आया है जिसमें एक नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र जो है बताई जा रही है वो 16-17 साल है, अभी बालिग नहीं है वो लड़की, और एक 22-23 साल का लड़का उसको ओयो होटल में लेके आता है। और एक आधार कार्ड का प्रूफ है जिसमें उसमें आधार कार्ड में उसकी उम्र जो मेंशन की गई है वो 18 साल की उम्र उसकी मेंशन हुई है। अच्छा, अभी चले गए जब पुलिस प्रशासन आई और इतना बवाल हो गया। आपके यहाँ के मालिक कौन है? अभी थोड़े पहले मैंने कहा कि मैंने एंट्री कर रहा हूं। अच्छा, मैं कहां रहा हूं? मैंने अभी ऑनर कहा है आपके? कोई बात नहीं, हम आपसे ज्यादा क्वेश्चन तो पूछे, लेकिन ऑनर कहा है? नहीं, अभी आपने बोला कि आपने एंट्री करवाई, अभी आप बोल रहे कि आपने एंट्री नहीं करवाई। आप अभी प्रूफ भी दिखाए, बताओ तो सही। डरो मत, एक मिनट हॉपलेस मत। एक मिनट आप भारद्वाज, पहले मेरे को ये बताओ, आपने एंट्री कराया था उसका? मैं तुम्हारा ओयो बंद करवा दूंगा इस बात के पीछे। सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंचोगे? सर, क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली, कोई जानकारी मिली हो? सर आपको सर गाली मत दीजिए प्लीज। ये दे सकते हैं, यहाँ पर पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है, अभी फिलहाल आगे की कार्यवाही पुलिस प्रशासन करेगी। यहाँ पर दे सकते हैं CIA की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है क्राइम ब्रांच, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये गलत काम हो रहा था उस पर आज देखिए पर्दाफाश किस तरीके से हुआ। और यहाँ देख सकते हैं लोगों की मौजूदगी है। मैं चाहता हूँ मेरा शहर साफ और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, मैं फरीदाबाद को बिल्कुल साफ देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई फरीदाबाद के अंदर कोई ऐसी घटना हो। ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग मौके पे मौजूद हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी किसी की बेटी थी वो, जो कि कोई लड़का जो है वो 22-23 साल का उम्र का लड़का बताया, जो कि यहाँ पर उसको लेके आता है। क्या थी आगे कार्यवाही क्या था, मतलब किस वजह से वो यहाँ पर आए थे, अभी कुछ हमको जानकारी नहीं। उसको लेके आया गया था या फिर आई थी खुद, अभी इसकी कोई हमें जानकारी नहीं, लेकिन जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। अच्छा, ये कब का मामला है, मतलब कब आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिली? पहले मिल चुकी थी, उन्होंने बताया गया था कि लड़की सुबह ही आई थी स्कूल टाइम के अंदर, आइडेंटिटी कार्ड पहन रखा है, स्कूल की ड्रेस पहन रखी है। तो जैसे हमें सूचना मिली हम सारे इकट्ठे होकर यहाँ आए, हमने पूछताछ चालू करी तो हमें यहाँ पे बरामद हो गई लड़की और लड़का रूम में थे दोनों। अच्छा, तो मतलब लड़की ने कोई प्रूफ दिखाया था नीचे, क्योंकि बिना प्रूफ के तो एंट्री होगी नहीं? अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं दिखाया गया, यहाँ पे लड़की नाबालिग है इतना कन्फर्म है। उसके बाद हमने 112 पे कॉल करी है, वो है भाई साहब CI से आ चुके हैं, वो SHO भी साहब भी मौजूद है मौके पे, तो लड़की का कोई आधार कार्ड अभी नहीं मिला? नहीं, आधार कार्ड कुछ नहीं। लड़की का आधार कार्ड, लड़की कहाँ की रहने वाली कुछ ऐसा कुछ? लड़की का आई कार्ड है, लड़के का आधार कार्ड, उसे फोन पे व्हाट्सएप किया था, फोन पे व्हाट्सएप किया था। मेरे में भी शायद 17 मतलब अभी लड़की बालिग नहीं हुई है, नाबालिग है, ये स्कूल ड्रेस में पढ़ने वाली। कौन से स्कूल में पढ़ते कुछ जानकारी मिली? ये मेरे ख्याल से अभी प्रॉपर कन्फर्म नहीं है चीजें, प्रॉपर कन्फर्म नहीं है। स्कूल ऐसे ले सकते हैं ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्कूल का नाम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि स्कूल का नाम बताने से ऐसा है ये किधर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं मतलब साफ तौर पे अभी लड़की की हमें कोई प्रूफ नहीं पता कहाँ की है कहाँ की नहीं है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा मामला सामने, जिसमें ये ब्लू हब करके ओयो होटल है, जहाँ पर एक नाबालिग लड़की जो है वो पकड़ी गई है, मतलब और 22-23 साल जो लड़के की उम्र बताई जा रही है। और ये देखिए अभी फिलहाल जब हमने ऑनर से बात करने की कोशिश की, फिर जो यहाँ के ऑनर है बताया जा रहा है जिसने एंट्री करवाई उस बच्चे से हमने जानकारी लेने की कोशिश की, उसने साफ तौर पर यही बोला कि अभी जो उनका ऑनर है वो हरिद्वार चले गए। सोचिए, ये देखिए पुलिस देखिए, ये देख सकते हैं अभी लड़के को फिलहाल लेके जाया जा रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये लड़के को मौके
मौके पे यहाँ से लेके जाया जा रहा है और देख सकते हैं तमाम पुलिस बल एसएचओ मौके पहुंचे जो कि एसएचओ उसको लेके जा रहे हैं। और अभी बताया जा रहा है 22 से 23 साल यूपी का लड़का बताया जा रहा है, ये देख सकते हैं मेरी उंगली जहाँ पर देख रहे हो वो लड़का ब्लू जैकेट वाला वो जा रहा है, अभी फिलहाल पुलिस उसको यहाँ से लेके जा रही है। लड़की अभी अंदर है उसको भी देखेंगे क्या है, लेकिन यहाँ पर देख सकते ये देखिए गाड़ी में बैठा कर लड़की यहाँ लड़के को यहाँ से लेके जाया जा रहा है, पुलिस मौके पहुंच चुकी तो यहाँ पर और तमाम लोगों की देखिए जिस कदर यहाँ पर भीड़ है। ये देखिए और मैं ओयो का नाम बता दूं एक बार, तो ये होटल ब्लू हब करके ये नाम है जो कि सेक्टर 22 से इसका ये इलाका पड़ता है। अगर आप वर्लपूल चौक हार्डवेयर चौक के जस्ट राइट हैंड साइड में आएंगे तो आपको ये सेक्टर 22 से इसके रोड दिखेगी जहां इस वक्त हम पहुंचे, और ब्लू होटल ब्लू हब करके ये होटल का नाम है जहां एक अभी नाबालिग लड़की जो है वो पकड़ी गई है, जिसमें लड़की की उम्र जो बताई जा रही है वो 16-17 साल की जो लड़की की उम्र है वो बताई जा रही है, लड़की की उम्र यूपी के बताया जा रहा लड़का, और लड़का जो उम्र है उसकी 22-23 साल की उम्र है, लड़की स्कूल की पढ़ने वाली बच्ची थी जो कि स्कूल की ड्रेस में यहाँ पर बरामद की गई, मतलब स्कूल की ड्रेस में पकड़ी गई है। और ये देख सकते हैं मौके पुलिस बल मौके पहुंचे, पीसीआर एसएचओ समेत यहाँ पर कई पुलिस बल यहाँ पर मौके पहुंचे, लेकिन हम अंदर जाकर नहीं दिखा सकते। ये देखिए एक मिनट दिखाइए, ये देख सकते सर एक बार लड़की की फोटो मत दिखाइएगा, देखिए नहीं नहीं दिखाएंगे वो टेंशन मत लीजिए। ये देख सकते हैं अभी फिलहाल, हाँ कोई बात नहीं सर, ये देख सकते हैं अभी फिलहाल अभी लड़की को भी यहाँ से लेके जाया जा रहा है। ये देखिए मौके पे एसएचओ मौके पे पहुंच चुके थे, और ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल लड़की को भी लड़की को गाड़ी में बैठा लिया गया है, और लड़की को ये देखिए लेके जा रहा है। लड़की की उम्र देखिए, स्कूल की ड्रेस ग्रीन कलर की उसने ड्रेस पहन रखी है, छोटी सी बच्ची ज्यादा 16-17 साल की ये बच्ची है, और ये देख सकते हैं मैं आपको आगे का जरूर ये दिखाने की कोशिश, देख सकते हैं यहाँ पर आप स्कूल की बच्ची थी जो कि अभी फिलहाल स्कूल जा रही थी या फिर बंक मार के यहाँ पर आती है, अभी लड़का लेके आता है कैसे क्या होता है अभी इनको कोई जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अभी फिलहाल लड़के और लड़की को दोनों को यहाँ से पकड़ के लेके जाया जा रहा है पुलिस बल। ये देख सकते हैं अभी फिलहाल लड़के लड़की सबको यहाँ से लेके गए पुलिस वाले, और तमाम लोगों की भीड़ देखे यहाँ पर किस कदर पहुंच चुकी है, लोगों की भीड़ जमा हो गई। अच्छा ये होटल कब से कुछ जानकारी आप लोगों को कब से चल रही है? टाइम हो गया उसको लोगों एक एक और टाइम हो गया, ऐसे केसेस मतलब नॉर्मल ही आते जाते ही रहते हो? कोई आइडिया नहीं मुझे इतना, पर होटल हमें आइडिया नहीं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं अंकल? आप यहीं रहते हैं? आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं? अच्छा ये होटल कब से यहाँ पर है? पता नहीं, नहीं पता आप लोगों को? ये देख सकते हैं यहाँ पर मतलब लोग 700 रुपया मैं आपको दूर से अगर ये दिखा दूँ तो अगर आप ये आते हैं यहाँ से अगर हार्डवेयर चौक से राइट साइड में रोड पड़ती है रोड जाती है ये वर्लपूल रोड बताया जाता है हार्डवेयर चौक पड़ता है, और उसके जस्ट थोड़ी दूरी पर अगर 100-150 मीटर की दूरी पर अगर आते हैं आप तो ये होटल है ओयो होटल, होटल ब्लू हब करके ये ओयो होटल के, जिसमें अभी लड़की जिसकी उम्र जो बताई जा रही नाबालिग लड़की है 16-17 साल उसकी उम्र बताई जा रही है जो कि अभी पकड़ी गई है और फिलहाल स्कूल की ड्रेस में यहाँ पहुंचते, और 22-23 साल का जो लड़का है वो यहाँ पर उसको लेके आता है फिर खुद आते हैं। अभी इसकी कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हम आपको जरूर आगे के जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। अभी पुलिस बल भी मौके पे थी, लेकिन अभी फिलहाल वो लड़का और लड़के को दोनों को यहाँ से लेके जा चुकी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं पुलिस साल मौके पहुंचे हुई है, अगर कुछ जानकारी होगी तो हम आपको जरूर एक बार अपडेट करेंगे। एक बार एक्सक्यूज में थोड़ा सा प्लीज साइड, पुलिस अगर कुछ बोलना चाहे सर क्या जानकारी मिलती है एक बार थोड़ी सी जानकारी हो आपके पास? तो मैं थाने में जाके थोड़ी बहुत कब क्या हुआ था कुछ जानकारी मिली सर आपको? जानकारी तो अभी बता देंगे थोड़ी देर में, अभी कॉल पे हम आई हो। क्या कॉल में क्या बताया गया था सर आपको? ये कोई नाबालिग लड़की का बताया, हाँ नाबालिग लड़की के बारे में बताया था नाबालिग, प्लीज थोड़ा दूसरी कॉल पे जा रहे हैं, फोन आ रहा है हमारा। अच्छा कोई बात नहीं सर, ये दे सकते हैं अभी पुलिस ने भी साफ तौर पीसीआर थे अभी जो कि अभी इनको भी बुलाया गया था, और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि बच्ची थी 112 का अभी यहाँ पर बुलाया गया था, ये भी यहाँ पर मौके पहुंचे थे, इनसे जब हमने पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इनको भी यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक 17-18 साल की बच्ची है जो यहाँ पर इसको लेके आया गया था ओयो होटल में, अभी फिलहाल उसको यहाँ पर लेके जा चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर पीसीआर मौके पर जा चुके हैं यहाँ से, और जो लड़का लड़की थे उन सभी को यहाँ से लेके गए हैं। और ये देख सकते हैं एक बार फिर से मैं अगर आपको ये होटल का नाम बता दूं तो ओयो
फर्स्ट फ्लोर है वो जहाँ पर विंडो आपको खुली हुई दिख रही है वहीं पर वो लड़की जाती है और अंदर एक रूम है वहीं पर वो जाते हैं बंदे। और ये होटल ब्लू हब करके ये होटल का नाम है जहाँ इस वक्त हम पहुंचे। और यहाँ पर एक बार फिर से आपको पूरा अगर मामला बता दूं तो एक नाबालिग लड़की स्कूल के ड्रेस में यहाँ पर पकड़ी जाती है और 22 से 23 साल का लड़का बताया जा रहा है जो कि यूपी का बताया जा रहा है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो यहाँ पर आता है आधार कार्ड के प्रूफ पे यहाँ पर एंट्री करते हैं। उसके बाद जब लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि लड़की नाबालिग है तो यहाँ पर आते हैं और पुलिस बल को यहाँ पर बुलाया जाता है और उस लड़के और लड़की को दोनों को यहाँ से पकड़ कर लेके जाया जाता है। तो ऐसे अगर जो भी आगे की अपडेट होगी इस पर हम जरूर आपको कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसे ओयो होटलों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बिना किसी प्रूफ के बिना किसी आइडेंटिफाई के यहाँ पर ऐसे ओयो होटल चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के प्रशासन को सख्त से सख्त आवश्यकता है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज 100, साथ ही रोहन के साथ मैं आंचल मिश्रा सिटी न्यूज 100 के लिए।